ऑलराइट सर, अब सुनिए मेरी अगली बात, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। बेटा बैंकिंग इस चैप्टर में आपको कम से कम 10-12 कंसेप्ट करने पड़ेंगे। अब तुम बोलोगे कि सर हमने ये कंसेप्ट नहीं किया तो चल जाता है क्या? बैंकिंग में एक भी कंसेप्ट मत छोड़ना, एक भी बोल रहा हूं मैं, छोटे से छोटा कंसेप्ट करके जाना। द रीजन बीइंग, पिछले बार 16 मार्क की जो प्रॉब्लम आई थी फुल फ्लेज्ड मार्क क्वेश्चन नहीं आया था, इट वॉज अ ब्रेकअप ऑफ 4-4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन आए थे। बैंकिंग में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस ऑन सम स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स विच आर बोनस मार्क, मगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप पेन भी नहीं उठा पाओगे, लिखना क्या ये नहीं पता है। तो मॉड्यूल को ध्यान से देखना आज जाकर, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब जरा ध्यान से जाकर देखना। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो अगेन फॉल बैक टू मी, ठीक है? अब बैंकिंग इंडस्ट्री में और एक चीज होती है जिसकी अकाउंटिंग होती है, और वो थोड़ी सी यूनिक और अलग है। हमने बचपन से ही सीखा है कि गारंटी गिवन इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, गारंटी गिवन इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। डू यू ऑल एग्री? डियर फ्रेंड्स, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हमने बचपन से ही सीखा है कि यह डिस्क्लोजर में दिखाया जाता है, एग्रीड? मगर बेटा जी बैंक के केस में यह दिखाया तो जाता है डिस्क्लोजर में, मगर इसका एक बुक भी मेंटेन की जाती है। बुक क्यों मेंटेन की जाती है? क्योंकि बैंक अनगिनत लोगों को गारंटी देती है। मान लो कल को तुमको पैसा देना है किसी तुम्हारे आदमी को जिससे तुमने माल इंपोर्ट किया, तुमको पैसा देना है, तुम्हें माल पहुंचा नहीं अभी यहां तक। देखो प्रॉब्लम क्या है, बैंक कैसे हमारे मजे लूटती है। यू एंड यर इज अ टॉम इन यूएस, तुम्हें पैसा देना है टॉम को, मगर तुमको टॉम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि टॉम ने अगर माल नहीं दिया तो तुम इंपोर्ट कर रहे हो ना, माल इंडिया में नहीं पहुंचा तो तुम यूएस जाओगे क्या? टॉम पैसा दे, और सपोज मान लो चले भी गए यूएस, तो उधर क्या उखाड़ लोगे उसका? तो प्रॉब्लम है यार, इससे अच्छा क्या करो, तुमने वस्तु को देखा, तुम यहां से पेमेंट करते हो, एग्रीड? मगर तुम्हें डर है यूएस में कि कहीं टॉम ने माल नहीं भेजा, तो टॉम को डर है कि ये माल भेज दे, उसने पैसा नहीं भेजा, आपने पैसा नहीं भेजा, तो टॉम बोलता है काम करो, तुम मुझे पैसा मत दो, तुम मुझे बैंक गारंटी दे दो, राइट? अब आप है ना जो है, अब लिख लेते कि राम, राम की बैंक है एसबीआई, राम एसबीआई के पास जाता है और बोलता है कि देखो वो टॉम मुझे माल भेजने वाला है, तुम मेरे बिहाफ पे उसको गारंटी दो ना, तुम्हारी तो यूएस में भी ब्रांच है, तुम गारंटी दो ना उसको लिख करके, इस आदमी को माल भेज दो, इधर सक्सेसफुल रिसीट आने के बाद में, माल आने के बाद में आपको वहां से पैसा रिलीज हो जाएगा। एसबीआई बोलती मैं क्यों करूं, एसबीआई का कोई पैसा नहीं लग रहा, तुम लोन मांगने नहीं जा रहे थे, तुम सिर्फ कह रहे हो कि मेरा रेफरेंस दे दो, उसको कह दो कि मैं पैसा पहुंचा दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो तुम माल भेज दो। एसबीआई बोलती मैं क्यों करूं, तो फिर उसको कुछ लालच देनी पड़ती है। तो राम एसबीआई को लालच देता है कि देख मेरे भाई तू लिख कर दे दे, उसको गारंटी दे दे, मैं तेरे को गारंटी देने के कुछ पैसे दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज कमीशन गिवन फॉर गिविंग गारंटी। अब इसको गारंटी मिल गई और इसको एसबीआई को क्या मिल गया, कमीशन। मगर जरा फील करना, किसी भी रीजन के वजह से माल यहां पर आ गया, राम ने माल ले लिया, मान लो पेरिशेबल गुड्स थे, माल आ गया, राम भगवान को प्यारा हो गया, भगवान के पास चले गए राम, अब कौन पैसे देगा उस टॉम को? उसने वहां से कोई पेरिशेबल आइटम भेजे थे, वो तो खराब हो गए इंडिया में, वापस भिजवा भी नहीं सकते यूएस, कस्टम्स में अटक गए इंडिया के। अब वहां पर टॉम पैसे मांग रहा है, एसबीआई को पैसा देना पड़ेगा, तो गारंटी मटेरियलाइज भी हो सकती है। So it is a contingent liability, yes or no, but it can materialize also. So lovely boys and girls, RBI की guideline के हिसाब से bank जब बहुत सारी guarantees या contingent liabilities देती है तो उन liabilities को एक अलग book में accounting करनी पड़ती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ledger में करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका balance trial balance में जाएगा, मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी भी वो disclosure ही करेंगे balance sheet में, schedule number 12, शेड्यूल नंबर 12 में ये चीज जाती है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एक अलग शेड्यूल बनता है बैलेंस शीट का असेट्स के बाद में। बट फिर भी आपको ये
अकाउंटिंग कर कर दिखानी पड़ेगी कि किस तरीके से गारंटी गिवन इसकी अकाउंटिंग होती है. तो शैल वी सी हाउ द अकाउंटिंग इज डन फॉर गारंटीज गिवन. सो विल यू प्लीज कम डाउन टू व्हाट. अब जरा देखोगे तो लगेगा सर बहुत आसान है, मगर अगर मान लो तुमने पढ़ा ही नहीं है तो देखो पेन भी उठा पाओगे क्या. ये रहा यहां पर गारंटी का. कहां गया भाई गारंटी. ये रहा एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट्स. एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट. ये बेटा ये जो क्वेश्चन था ना ये हमारा हो गया ना. यस. इसकी जर्नल एंट्री नीचे दी हुई है. ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है. प्रिंटिंग मिस्टेक थी. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड आएगा. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट. ठीक है. अब ये देखो एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट की अकाउंटिंग एंट्री. एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट. When bank accepts or endorses on behalf of its customer, that is bank undertakes a liability towards the party which agrees to receive such bill, the bank has corresponding claim against the customer on whose behalf it has accepted or endorsed the bill. इसका मतलब बैंक बीच में है, इधर टॉम है और इधर राम है. राइट. राम के बिहाफ पर बैंक ने लाइबिलिटी स्वीकार कर ली और राम उसको क्या देता है. कमीशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. बैंक को इसको पैसा देना है और राम पैसा देगा इसको. एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट. एंडोर्स किसको कर रही है. बैंक एंडोर्स कर रही है राम को. वो कह रही है कि राम पैसा दे देगी, मैं एंडोर्स कर रही हूं, मैं लिख कर दे रही हूं. हा या नहीं. एंडोर्समेंट. एक्सेप्ट कर एंडोर्स करना कि राम पैसा दे देगा. डिस्क्लोजर. सच लाइबिलिटीज विच आर आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज ऑफ द ईयर एंड द करस्पॉन्डिंग असेट्स आर डिस्क्लोज्ड एज कॉन्टिंजेंट आइटम्स. तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है. डायरेक्टली कम डाउन टू दिस पार्ट. कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 6. भारत बैंक लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रुपीज इन लैक्स. एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट एंड गारंटी. इसको क्रेडिट बैलेंस होता है ऐसा अज्यूम करो. एक्चुअली होता नहीं है मगर अज्यूम करो कि इसको क्रेडिट बैलेंस होता है. सो दिस विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. कोई लिखेगा नहीं, पहले समझेगा क्रेडिट साइड. अब बेटा गारंटी है. अब क्या होगा. गारंटी कभी ना कभी तो मैच्योर होगी. कभी ना कभी तो ऐसा वो समय चला जाएगा कि उसके बाद में बैंक बोलेगी ठीक है तुम उसको पेमेंट कर दो. राम ने पैसा दे दिया टॉम को. बैंक का गारंटी जो दिया था वो एक्सपायर हो गई क्योंकि टॉम को पैसे मिल गए और राम ने पैसे दे दिए. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इस सिनारियो में जो आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी खत्म हुई. ऐसा भी हो सकता है राम ने बोला मैं पैसे नहीं दे रहा हूं. राम ने पैसा नहीं दिया तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा. उस केस में कस्टमर हैज नॉट डिस्चार्ज. राम हैज नॉट डिस्चार्ज द लाइबिलिटी. हु हैज डिस्चार्ज द लाइबिलिटी. बैंक. तो भी लाइबिलिटी तो कम हुई तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे. डेबिट. तो जरा ध्यान से देखो. पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा और अगर करंट ईयर में आपने और किसी व्यक्ति को गारंटी दी तो वो भी आएगा. तो वो गारंटी क्रेडिट साइड में लिखेंगे. हम पहली फिगर देख लो. एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट एंड गारंटी. ओपनिंग बैलेंस है बेटा जी कितना आएगा 29. ये पहला फिगर 29 का. डू यू ऑल एग्री. तो पहला फिगर 29 क्रेडिट साइड आएगा. चलो नेक्स्ट फिगर बताओ मुझे कौन सा है. ड्यूरिंग द ईयर 12-13 एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट एंड गारंटी. ये नई गारंटी है तो कौन से साइड में लिखेंगे. क्रेडिट साइड में. तो ये देख लो मैं ऐसे ही बता देता हूं. 29 और फिर क्या 88. बैंक ऑनर्ड द एक्सेप्टेंसेस. बैंक को डिस्चार्ज करनी पड़ी कुछ एक्सेप्टेंसेस. कोई दिक्कत नहीं. ये क्या होगा. लाइबिलिटी तो कम हुई ना. डेबिट. फिर क्या है 20. क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया. बैंक की गारंटी तो खत्म हो गई ना. तो क्या करोगे 20. क्लाइंट फेल टू पे विच बैंक हैड टू पे. क्लाइंट ने नहीं भरा तो किसको भरना पड़ा. बैंक को. तो ये क्या करेंगे 2. डेबिट साइड में. अब मुझे बताओ क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है. 29 प्लस 88 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 2. कितना 45. भरोसा मानो कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था
बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं लिखा क्योंकि वो इसी लाइन से डर गए थे, प्रिपेयर एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, क्यों डरावना लगता है। और तुमने कभी सीखा नहीं था कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का भी अकाउंट बनता है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का अकाउंट नहीं बनता, मगर आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आपको इसकी एक अलग बुक बनानी पड़ती है, क्योंकि आरबीआई कहती है कि बैंक तो बहुत सारे लोगों को गारंटी देती है, तो कितनी गारंटी आउटस्टैंडिंग है ये ऑडिटर को पता करने के लिए कोई क्लियर कट हमको एक बुक तो, दस्तावेज तो जहां पे चेक किया जाए, और गारंटी कौन से बेसिस पर दी, कितना कमीशन मिला, ये सब चीजें चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। अब बात ध्यान से सुनिए, ये शेड्यूल कहां पे दिखाया जाता है, शेड्यूल 12 में। शेड्यूल 12 में सारी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी दिखाई जाती है, और उसी लाइबिलिटी के नीचे और एक आइटम लिखा जाता है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के नीचे एक और आइटम लिखा जाता है, राइट है, उसका नाम होता है, नहीं झूठ मत बोल, उसका नाम होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये ना बैंक के लिए असेट है ना ये बैंक के लिए लाइबिलिटी, याद है ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट और बिल सेंट फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। इट इज नॉट एन असेट, इट इज नॉट ए लाइबिलिटी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर ऑफ बैंक, क्योंकि ये चेक आए हुए बैंक के पास, तो ये चेक बैंक क्या करती है कि अपने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के नीचे एक सेपरेट डिस्क्लोजर दिखाती कि भाई मेरे पास कितने चेक पड़े हुए हैं मेरे क्लाइंट के। तो जरा एक शेड्यूल 12 के ऊपर भी नजर मार लेते हैं, पहले शेड्यूल 12 के ऊपर नजर मारते हैं, फिर हम इधर आकर चेक करेंगे। इधर आ जाओ बेटा, शेड्यूल 12 कहां पे, पहले बैलेंस शीट में आओ, ये दिख रहा है क्या, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी शेड्यूल 12, और उसके नीचे होता है बिल फॉर कलेक्शन। ध्यान में रहे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम पूछी जाए और पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस दिया जाए, जबरदस्ती एग्जामिनर उसमें एक आइटम घुसेड़ेगा, बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन कहीं नहीं जाता, क्योंकि ना ये असेट है ना बैंक की ये लाइबिलिटी है, ये बैंक के पास कस्टमर के पड़े हुए चेक्स है। समझ आ रही बात ध्यान में? सो इट इज नॉट एन असेट, इट इज नॉट ए लाइबिलिटी, इट इज जस्ट डिस्क्लोज्ड, इट विल नेवर बी पार्ट ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ BS, only disclosed. Just like contingent liability is also not a part of BS. It is only disclosed. ये भी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है ना, ये भी हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। ये पेज नंबर कौन सा बेटा जी, कोई बताएगा क्या? 6.17। ठीक है, जरा आपको नीचे लिए चलता हूं। बॉयज एंड गर्ल्स, कम डाउन टू द शेड्यूल नंबर 12, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। इन सारे फिगर्स को आपको याद करना पड़ेगा, क्या क्या है देखो, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। इसका मीनिंग बताऊं क्या होता है, तुम कार्ड स्वाइप कराते हो क्या, तुम्हारे पास कौन सा एटीएम है सर, यूनियन बैंक का। तुम कौन सी बैंक से पैसा निकालते हो, एटीएम कौन सा यूज करते हो, यूनियन का ही करते हो कि किसी और का करते हो, बाकी भी करते हो, चलो गुड। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं है, मगर तुम किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जाते हो और वहां पे तुम कार्ड स्वाइप करते हो और वहां पर तुम्हारा बैलेंस दिखने लग जाता है 4 लाख रुपए, तुम बोलते हो वाह 4 लाख रुपए दिख रहे, और तुम तुरंत फुर्ती से निकाल लेते हो, एग्रीड। तुम्हें पता है ऐसी मिसकम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किसके वजह से हो सकती है, वीसा नाम सुना है क्या, वीसा, मास्टर कार्ड, ये लोग अगर गलत इंफॉर्मेशन सेंड कर दे कि इसके पास 4 लाख रुपए है, तो किसी भी बैंक में से पैसा निकाल लेगा, अब निकालने के बाद में ये उड़ा देगा, अब उड़ाने के बाद में बैंक आती है इसको पकड़ती, बोलते कुछ भी कर लो मगर मेरे पास पैसा नहीं है, जेल में डालना जेल में डाल दो। अब बैंक को, यूनियन बैंक को तो पैसा देना पड़ेगा ना, या समझ में आ रहा है ना, जिस व्यक्ति का पैसा गलती से निकला है उस आदमी को तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो उस केस में आप इसको कहते हो कि एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो सकती है बैंक की। बैंक अगर नेटवर्क चैनल से गलत इंफॉर्मेशन सेंड कर दे जिसके वजह से पैसा निकल जाए, तो बैंक उसको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी दिखाती। कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बैंक के ऊपर क्लेम रेज करे मगर बैंक कहे हम ये क्लेम को स्वीकार नहीं करते, तो उसको तब तक क्या बोलेंगे जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। एक बार वो स्वीकार हो गई तो क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी हो जाएगी वो। तो देखो क्या लिखा है मैंने, क्लेम अगेंस्ट बैंक
नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, बैंक उनको डेट एक्सेप्ट करने से मना कर रही है। लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बैंक के केस में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा चंक इन्वेस्टेड होता है, पता है ना तुम्हें, तो मान लो बैंक ने 15 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर खरीदा, राइट, उसमें से उन्होंने 9 रुपए भर दिए, अब सीधी सी बात है 6 रुपए मंगाएंगे तो क्या बैंक मना कर देगी, देना पड़ेगा, पता है ना, पार्टली पेड अप शेयर्स, फेस वैल्यू इज 15, द कंपनी हैज कॉल्ड ओनली 9 रुपीज, दे मे कॉल 6 रुपीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 6 रुपए वो कभी भी मंगा सकते हैं और हमने कमिटमेंट दिया है कि फेस वैल्यू तक तो हम देंगे ही देंगे। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, बट ही एटलीस्ट हैव टू गिव द फेस वैल्यू, यस और नो? सो पार्टली पेड अप शेयर्स आर ट्रीटेड एज कमिटमेंट, जो आपने शेड्यूल 3 में भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के नीचे लिखा था, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, तो इट इज लाइक अ कमिटमेंट। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया एंड अदर आइटम्स फॉर विच द बैंक इज कॉन्टिंजेंटली लाइबल। ध्यान रहे, ये शेड्यूल 12 में कभी भी बिल सेंट फॉर कलेक्शन नहीं आते, बिल सेंट फॉर कलेक्शन शेड्यूल 12 के नीचे एक सेपरेट आइटम लिखा जाता है। आपने किया होगा ना शेड्यूल 12 के नीचे, वहां पर देखा था ना पीछे, शेड्यूल 12 वहां पे था जब बैलेंस शीट में, उसके नीचे क्या था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। लवली पीपल, चलो अब ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर ले क्या बेटा, ये प्रॉब्लम कंप्लीट करो, एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 29, ओपनिंग बैलेंस हाँ या नहीं? फिर बेटा जी क्या है, इस बार जो और नई गारंटी दी वो कितनी है, 88, वो आएगा। फिर इसके बाद में जितनी बैंक ने डिस्चार्ज कर दी, जितनी क्लाइंट ने दे दी और जितनी अमाउंट पेड ऑन फेलियर ऑफ क्लाइंट, वो डेबिट हो जाएगा और आपका बैलेंस 117 आ जाएगा। 117 नहीं, बैलेंस कितना आ रहा बेटा, 45 आ रहा है क्या, और फिर टोटल कितनी आ रही है, 117। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, इसको हम प्यार से बोलते हैं AEO अकाउंट, एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। I did not understand what you said. See, she is asking me the question, sir, what is the difference between bank honored and the client failed to pay and bank had to pay, right? There are two things. One is, suppose there is a bank outside India whom I say you please make the payment to them, I am sending the money to you. Bank बोलती है मैं पैसा क्यों payment करूं, उसमें bank guarantee नहीं दे रही है, मैं उनको पैसा दे रहा हूं, वो ले रहे हैं मुझसे और वो पैसा उधर payment कर रहे हैं, उसके लिए मुझसे कुछ commission charge कर रहे हैं। उस केस में bank honored the commitment because they had earlier taken the money from me, now they have honored the commitment there. In that case it was not a pure guarantee, I gave them the money and they paid there. सट्टा खेलते हो क्या, सट्टा खेलते हो क्या होता है, ऐसा कोई ऐसा प्रॉमिस करता है, देखो एक सट्टा खेलने का तरीका क्या होता है, प्रॉमिस करते कि मैं सट्टा लगा रहा हूं 40,000 का, तो वो तुम्हारे नाम पर सट्टा लगा देता है, एक ये तरीका हो। एक तुम क्या करते हो, 40,000 रुपए देते हो और फिर सट्टा लगाते हो, अगर कोई छोटा मोटा पार्टी जाता है ना तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो पहले 40,000 रुपए डिपॉजिट करता है फिर सट्टा लगाने को बोलते हैं उसको। कोई बच्चा जाके बोलेगा मुझे सट्टा लगाने का, नॉट अलाउड, उसे बोलेंगे भाई पैर रोकड़ा रख और फिर सट्टा खेल, तो वही चीज है। तो उसमें अगर बैंक ऑनर द कमिटमेंट है तो उसके में क्लाइंट से पहले ही पैसा आ चुका था, अब बैंक ने ऑनर कर दिया, बस बात खत्म। इज दैट ओके, फाइन, हैव यू डन टिल दिस पॉइंट? नाउ इट्स टाइम दैट वी गो फॉर अ स्मॉल ब्रेक।